बिल्कुल जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो पूरा पंजाब वेख रहा, ना केवल पंजाब पूरा देश वेख रहा। जितों तक अमृतपाल का सवाल है, तकरीबन अक्तूबर के महीने के चिट्ठी लिखी सी कि इस व्यक्ति दियां गतिविधियां ते नज़र रखन की जरूरत है, और फिर दूसरी चिट्ठी लिखी, फिर उस तो बाद अजनाला कांड होया। पहला भी जलंधर दे विच छुटपुट छुटपुट जदों गुरुद्वारा साहब दे विच बेंच वगैरह नूं तोड़िया गया सी, सो ये घटनाक्रम वापरिया। सो काफ़ी देर बाद सरकार नूं भिणक पई कि काम खराब हो सकता है, जबकि तमाम जिहड़ियां एजेंसीज इन्हां दे कोल है। मैं वार वार ये कहना है कि एजेंसीज दा ये तमाम इन्हां साथियों के मगर बहुत वड्डा हाथ है, देश के बाहरलियां एजेंसियां भी और देश के अंदरलियां एजेंसीज भी। चलो जो बहुत कुछ सारा घटनाक्रम वापरिया, अजनाला कांड हो गया, इस तो बाद भी सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साधी सी, किसी प्रकार का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। चलो पहले दिन तो यह क्या सी कि हरिमंदर गुरु ग्रंथ साहब महाराज साहब स्वरूप नाल सी, इस करके असी कार्रवाई नहीं की, पर उस तो अगला दिन, उस तो अगला दिन, उस तो अगला दिन, कई दिन दिन बीत जाने के बाद जो पंजाब के लोगों के विच माहौल पैदा हो गया कि अमृतपाल की वो जड़ा घटना सी वो बेहद माड़ी सी, और काफ़ी सवाल जड़े है सरकार से उठन लगे, दोनों सरकार से, उतली से भी, थलड़ी से भी। तो फिर इन्होंने कॉग्निजेंस लेंदे हुए अमृतपाल ते साजिश ते आह घटनाक्रम जो भी उन्होंने फड़न फड़ाउंदी साजिश रची। मैं ये वेखदा कि 50 बटालियन तुसी ले आए, 80-90 हज़ार बंदे की थोड़े को फोर्स है, फिर अमृतपाल थोनू चकमा दे के निकल गया, चकमा दे के निकल गया कि कढ़िया गया। कई लोगों का यह भी सवाल है कि जिस तरह और यह कहा जाता कि एजेंसी का व्यक्ति है कढ़िया गया है कि निकलिया है। अच्छा, जिन्हों असल बंदे फड़ना सी उन्हें साजिश रची होनी, मोटरसाइकिल ते गया, उन्हें कपड़े बदले, मोटरसाइकिल चालक आया, मेरा मतलब ये सब कुछ अमृतपाल नूं पता सी। बिल्कुल जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो पूरा पंजाब वेख रहा, ना केवल पंजाब पूरा देश वेख रहा। जितों तक अमृतपाल का सवाल है, तकरीबन अक्तूबर के महीने के चिट्ठी लिखी सी कि इस व्यक्ति दियां गतिविधियां ते नज़र रखन की जरूरत है, और फिर दूसरी चिट्ठी लिखी, फिर उस तो बाद अजनाला कांड होया। पहला भी जलंधर दे विच छुटपुट छुटपुट जदों गुरुद्वारा साहब दे विच बेंच वगैरह नूं तोड़िया गया सी, सो ये घटनाक्रम वापरिया। सो काफ़ी देर बाद सरकार नूं भिणक पई कि काम खराब हो सकता है, जबकि तमाम जिहड़ियां एजेंसीज इन्हां दे कोल है। मैं वार वार ये कहना है कि एजेंसीज दा ये तमाम इन्हां साथियों के मगर बहुत वड्डा हाथ है, देश के बाहरलियां एजेंसियां भी और देश के अंदरलियां एजेंसीज भी। चलो जो बहुत कुछ सारा घटनाक्रम वापरिया, अजनाला कांड हो गया, इस तो बाद भी सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साधी सी, किसी प्रकार का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। चलो पहले दिन तो यह क्या सी कि हरिमंदर गुरु ग्रंथ साहब महाराज साहब स्वरूप नाल सी, इस करके असी कार्रवाई नहीं की, पर उस तो अगला दिन, उस तो अगला दिन, उस तो अगला दिन, कई दिन दिन बीत जाने के बाद जो पंजाब के लोगों के विच माहौल पैदा हो गया कि अमृतपाल की वो जड़ा घटना सी वो बेहद माड़ी सी, और काफ़ी सवाल जड़े है सरकार से उठन लगे, दोनों सरकार से, उतली से भी, थलड़ी से भी। तो फिर इन्होंने कॉग्निजेंस लेंदे हुए अमृतपाल ते साजिश ते आह घटनाक्रम जो भी उन्होंने फड़न फड़ाउंदी साजिश रची। मैं ये वेखदा कि 50 बटालियन तुसी ले आए, 80-90 हज़ार बंदे की थोड़े को फोर्स है, फिर अमृतपाल थोनू चकमा दे के निकल गया, चकमा दे के निकल गया कि कढ़िया गया। कई लोगों का यह भी सवाल है कि जिस तरह और यह कहा जाता कि एजेंसी का व्यक्ति है कढ़िया गया है कि निकलिया है। अच्छा, जिन्हों असल बंदे फड़ना सी उन्हें साजिश रची होनी, मोटरसाइकिल ते गया, उन्हें कपड़े बदले, मोटरसाइकिल चालक आया,
मेरा मतलब है सब कुछ अमृतपाल नूं पता सी।